धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज 2 अप्रैल 2018 देश के इतिहास में मुझे लगता है एक सबसे ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पूरा भारत बंद है और पूरे भारत के अंदर दलित सड़कों पर हैं, जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं, रेल रोकी जा रही है, काम बंद करवाए जा रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे देश के अंदर। वो वर्ग जो हमेशा से दबा कुचला रहा, वो वर्ग जो हमेशा अपने अधिकारों के लिए, अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को सही लालन पोषण देने के लिए सुबह निकलता और मजदूरी कर रात को अपने घर में घुसता है, आज वो मजदूर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग आज संघर्ष के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है। अध्यक्ष जी, अगर मैं अपने शब्दों को इस तरह से कहूं कि आज दलित समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी विपता आन पड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये कोई असमंजस्य या कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों 20 मार्च को जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के प्रावधानों को अपने एक फैसले के मुताबिक कमजोर करने की ओर धकेला है, ये बेहद दुखद है। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अब 20 मार्च से SC ST के तहत कोई भी दलित व्यक्ति जिसके ऊपर कोई बाहुबली या स्वर्ण व्यक्ति उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, अगर वो FIR लिखवाने जाएगा तो उसे पहले वो साबित करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे, सबूत पेश करने पड़ेंगे। अब अध्यक्ष जी, यहां सोचने वाली बात है कि जो समाज का 85%, इस पूरी देश की आबादी का 80 से 85% जो आबादी है वो दलित पिछड़े वर्ग लोगों की है, दबे कुचले लोगों की है, जिन पर लगातार सालों से नहीं, दशकों से नहीं, कई शताब्दियों से अत्याचार होते आ रहे हैं। अभी ये 30 मार्च 2018 की घटना है, गुजरात के भावनगर जिले में एक दलित समाज का लड़का घोड़े की घुड़सवारी कर रहा था, वहां पर ऊंची जाति के लोगों को वो नागवार गुजरा और उस लड़के की ही नहीं, उस घोड़े की भी हत्या कर दी, उस घोड़े को भी मार डाला और इस लड़के को भी मार डाला। ऐसे में क्या हम सोच सकते हैं कि किसी गली में कोई सफाई कर रहा है, कोई मोची जो किसी का जूता बना रहा है, कोई बड़ाई जो लकड़ी का काम कर रहा है, कोई नाई जो किसी के बाल काट रहा है, उसको अगर कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति, ऊंची जाति का व्यक्ति जाति सूचक शब्दों से अगर संबोधित करता है, तो क्या इस बात का प्रमाण या इस बात की उसके पास हिम्मत होगी कि वो उसकी रिकॉर्डिंग कर ले और उसके सबूत पेश कर सके? ये मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, बहुत अजीब सी स्थिति है कि समाज के दबे कुचले लोगों के को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उस संविधान में जो उनको एक मजबूती बनाए रखने के लिए 1989 के प्रावधान के तहत कानून दिया गया, उस कानून को कमजोर करने की ये कहीं ना कहीं साजिश है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ, उसके एक एक जजमेंट का सम्मान करती हूँ, लेकिन आज ये दलितों के जो सुरक्षा के साथ जाने में या अनजाने में आज फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये बेहद दुखद है। दलितों को कि जो ये सुरक्षा है, दलितों की जो भावना, उसे कमजोर करने का कहीं ना कहीं से प्रयास है। अध्यक्ष जी, ये सोच, ये फैसला ऐसे ही नहीं आया, आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से कहीं पर पेरियार की मूर्ति तोड़ दी जाती है, कहीं पर लेनिन की मूर्ति तोड़ दी जाती है, पिछले कुछ दिनों के अंदर चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, यूपी हो, बंगाल हो, बाबा साहब की मूर्तियों को लगातार ठेस जो है तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया। ये मनुष्यवादी सोच है जिस पर हमारे देश के कुछ लोग, और मैं कहूंगी RSS के लोग, कब्जा कर बैठे और आज दलितों को गुलामी भरी जिंदगी में जीने के लिए धकेल रहे हैं।
ये एक सोची समझी जो है साजिश है। अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, हर 3 मिनट के अंदर देश में किसी ना किसी राज्य में किसी ना किसी कोने के अंदर किसी ना किसी दलित को शिकार बनाया जाता है, चाहे वो अपनी हवस का शिकार हो या वो बाहुबलियों के तहत जो है उसके ऊपर मारपीट का केस करने की बात हो, या फिर वो अगर इज्जत से सम्मान से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करे तो उन्हें नीचा दिखाने की बात की जाए। तो अध्यक्ष जी, चारों ओर देश में आज अराजकता का माहौल है और आज तो सिर्फ आगाज हुआ है, अभी तो इसका अंजाम क्या होगा हम लोग सोच कर भी घबरा रहे, क्योंकि मैं स्वयं आज अपनी विधानसभा के अंदर पूरा पदयात्रा शांतिपूर्ण मार्च कर आई हूँ शांतिपूर्ण तरीके से, और उसमें एक दिन के आह्वान पर तकरीबन 150 से 2000 लोग शामिल थे, और सोचिए संख्या दिन प्रतिदिन अगर मंगोलपुरी जैसे इलाके में इकट्ठी हुई है तो ये देश के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर चिंगारी की तरह फैलेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब इस देश के अंदर ही न्यायिक व्यवस्था इस तरह की होती है कि जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर जज लोहिया जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं उनकी सुनवाई के लिए पूरा मन बनाते हैं, किसी तरह की बात नहीं मानते, संविधान का न्यायपालिका का अनुसरण करते हुए वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो उसी जज लोहिया की रातों रात मौत हो जाती है, मीडिया उसको नहीं उठाता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे में अध्यक्ष जी, हम कैसे सोच लें कि एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला आदमी, एक मोची, एक बाल काटने वाला, एक खाट बनाने वाला आदमी किस तरह से सबूत पेश करेगा और क्या बाहुबली लोग उसके सबूत पेश करने देंगे। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट अपने फैसले में कहा है कि SC ST केस तभी रजिस्टर्ड होगा जब सबूत होंगे, सबूत कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, आपको पता है कि किस तरह से आज इस देश की न्यायपालिका में सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता और अपराधी बहुत ही शान के साथ बहुत ही इज्जत के साथ वहां से बरी हो जाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो दबे कुचले लोगों के खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जाने अनजाने में जजमेंट आया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस पर पूर्ण विचार करे। मैं और मेरी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं पुनः यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से जो है पुनर्विचार करना चाहिए और एक बार इसके हित में इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इस पर जो है चर्चा करते हुए इस एक्ट को जो है कुछ भी बदलाव ना हो, जैसा था जस का तस बनाए रखे। और सिर्फ अध्यक्ष जी मैं नहीं, खुद सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं, सत्ताधारी पार्टी केंद्र में जो बीजेपी सरकार है उसके खुद उत्तर प्रदेश बहराइच की MP सावित्रीबाई फूले ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम लोग विधायक, MP, MLA, पार्षद किसी भी पार्टी से चुनकर आते हैं, किसी भी पद पर बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिया सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि वोट डालने का भी अधिकार हमें उनकी वजह से मिला, हम लोगों को चुनाव लड़ने का, बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर अपनी योग्यता के हिसाब से काम करने का मौका भी हमें इन सब चीजों के माध्यम से मिला। तो अध्यक्ष जी, मेरी बार बार आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और आप लोगों से बस यही गुहार है कि आप इस सदन की आवाज को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंचाए और एक बार उनसे जरूर करबद्ध प्रार्थना करें कि अपने इस फैसले को जो 20 मार्च को उन्होंने सुनाया है उस पर पुनर्विचार करें और एक बार दलितों के संरक्षण के लिए, दलितों के हित के लिए इस कानून को जैसा है वैसा ही रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।